सिंध में 12वीं जमात का इम्तिहान मजाक बन गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नकल माफिया ने इंतजामिया को नॉकआउट कर दिया। कराची, नौशहरो, फिरोज, सांगढ़, शिकारपुर, सखर, हैदराबाद में नकल माफिया का राज। इंग्लिश, जोलॉजी, इस्लामियात और सिंध के पर्चे वक्त से पहले ही आउट हो गए। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन और गाइड्स का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल भी जारी है। मैट्रिक के हो या इंटर के, सिंध में इम्तहानात मजाक बन कर रह गए। कैसी तैयारी, कैसी पढ़ाई। पेपर शुरू होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और हलशुदा पर्चा आपके सामने होगा। जी बिल्कुल, सिंध में इंटर इम्तहानात में भी बूटी माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है। आज भी पर्चे वक्त से पहले आउट होकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गए। कराची में जुआलॉजी का पर्चा 40 मिनट पहले ही व्हाट्सएप के जरिए तलबा की पहुँच में आ गया। सखर और घोटकी में भी इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। सरेआम मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जाता रहा। जैकबाबाद में भी नकल उरूज पर रही। शिकारपुर, सांगढ़, नौशहरो फिरोज, मीरपुर खास, मीरपुर माथेलो में भी पर्चे आउट हो गए। शिकारपुर में तलबा किताबें सामने रखकर पर्चे हल करते रहे। नकल की रोकथाम के लिए छापामार टीमें नतीजे देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। इंतजामिया के दावों के बावजूद नकल का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं।